हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पेस्ट्री की रेसिपी, जिसे हम ओरियो बिस्किट से बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 पैकेट बड़ा वाला ओरियो बिस्किट लिया है, तो आप भी इसी तरह से ले लीजिए 2 पैकेट ओरियो बिस्किट का। और हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो वनीला या चॉकलेट कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए ओरियो बिस्किट 2 पैकेट हमने निकाल लिया है, इसमें से 2 बिस्किट हम रख देते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, जो डेकोरेशन के काम आएगी। और जो बाकी के बिस्किट है उन सारी बिस्किट की हमें क्रीम निकाल कर अलग करनी है। तो बहुत ही आसानी से बिस्किट को अलग करिए और चाकू से क्रीम इस तरह से आप निकाल करके सेपरेट कर लीजिए। तो सारे बिस्किट का हमें क्रीम इसी तरह से निकाल लेना है, बिस्किट अलग क्रीम अलग। तो ये देखिए 2 पैकेट बिस्किट से हमारे पास इतनी ढेर सारी ओरियो की क्रीम आ गई है। और जो ये बिस्किट है इन बिस्किट को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और एक मिक्सर ग्राइंडर में इन बिस्किट को हमें बिल्कुल बारीक चूरा पाउडर कर लेना है, क्योंकि हम इसी बिस्किट से केक का बैटर बनाने वाले हैं। तो ग्राइंडर जार में इसे ट्रांसफ़र करके एक बार ग्राइंडर चला लीजिए और बिल्कुल इसे फाइन पाउडर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है, इसको हम एक साइड रखते हैं। अब अगले स्टेप पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है, इस भगोने में हम केक बेक करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, चारों तरफ ऑयल अच्छे से लगा लीजिए ताकि केक बाद में निकालते टाइम बहुत आसानी हो हमें। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लीजिए इसमें नीचे, और नहीं है तो आप मैदे से इसे अच्छी तरह से डस्ट कर लीजिए। मैदे से डस्ट करने की वजह से केक बहुत आसानी से निकल आता है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। जो बिस्किट का पाउडर हमने बनाया था उसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को अच्छे से इस पाउडर के साथ मिक्स कर लीजिए ताकि सारी ड्राई चीज़ें अच्छे से एक में मिक्स हो जाएं। अब हमने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है, इस दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इस ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिलाते जाएंगे। तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, अच्छे से मिक्स करिए, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अब ये बाकी का भी दूध मैंने इसमें डाल दिया है, और इतने बैटर के लिए 1 कप दूध सफिशियंट रहता है। तो इतने से बहुत ही अच्छा सा बैटर आपके पास बन करके आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 कप दूध हमने डाल दिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो बस ये रेडी है। अब हम इसे जो भगोना ग्रीस किया था उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो भगोना यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ का है, इसलिए जो है केक की पतली सी लेयर ही बनानी है हमें, क्योंकि उससे हम आगे पेस्ट्री बनाने वाले हैं। केक को हम एक तवे के ऊपर बेक करने वाले हैं, तो तवे को गैस के ऊपर रख दीजिए। जब तवा गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर ये भगोना रख दीजिएगा और उसे ढक दीजिएगा अच्छे से, और इसे हमें बेक करना है 10 से 12 मिनट तक। तो जब तक केक बेक होता है तब तक हम आइसिंग के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो जो बिस्किट से क्रीम हमने अलग की थी उसे हमें लेना है और अच्छे से चम्मच से फेंट लेना है। आप जैसे जैसे इसे फेंटेंगे वैसे वैसे क्रीम फ्लफ़ी होती जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्रीम बहुत ड्राई है तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध डाल दीजिएगा और उसके बाद फेंटिएगा, तो बिल्कुल स्मूथ सी क्रीम आपकी बन करके आएगी। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, लेकिन ये अभी थोड़ी पतली है, इसे हमें और अच्छे से फेंटना है। जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे वैसे वैसे इसकी स्टिफ सी पीक बनने लगेगी और ये फिर केक डेकोरेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फिट करके कितने अच्छे से तैयार हो गई है, और बिल्कुल हमें केक को डेकोरेट करने के लिए ऐसी क्रीम चाहिए होती है। तो इसे हम अभी फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और 12 मिनट हो गए हैं। चलिए एक बार अब हम केक भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है, देखने में तो ये बिल्कुल कच्चा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार हम नाइफ़ डाल करके चेक कर लेते हैं, और ये नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल कर आ रही है। इसका मतलब है कि केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, जब ठंडा हो जाएगा तब हम अपनी पेस्ट्री इस केक से बनाएंगे।
तो केक को मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था और ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे चाकू से इसकी एजेस को छुड़ा लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये केक बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम इसकी किनारी को काट लेंगे। तो हम यहाँ पे पेस्ट्री बनाने वाले हैं, इसलिए हमें एक चौकोर सा शेप चाहिए जिससे कि हम आगे पेस्ट्री बनाएंगे। तो इसके गोल किनारों को इस तरह से काटते जाइए तो एक बीच में स्क्वायर सा शेप निकल करके आएगा। और ये देखिए केक कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी खाने में। अब जो बीच वाला पार्ट है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो जो क्रीम हमने फेट करके रखी थी उसे हमने एक कोन बनाया है और उसमें डाल दिया है, इससे इसकी आइसिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कोन से हम इसकी अब चलिए आइसिंग कर लेते हैं। तो क्रीम को इवेंटली चारों तरफ अच्छे से फैलाइए और एक मोटी सी लेयर पूरे केक पे लगा दीजिए। अब एक चाकू से इसे पूरे केक पे अच्छे से फैला लेना है, बराबर से बिल्कुल। और ये क्रीम देखने में बहुत ही अच्छी और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, तो इस क्रीम को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चाकू से बराबर करते हुए हमने इसकी एक लेयर अच्छे से लगा ली है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे जो दूसरा पीस केक का है उसे। अब हम इसके ऊपर भी आइसिंग कर लेते हैं। तो क्रीम को अच्छे से पूरे केक पे लगाइए और उसे चाकू से बराबर कर लीजिए। तो ये हमने अच्छे से इसे इवेंटली फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम कुछ स्प्रिंकल डाल देते हैं ताकि ये देखने में और खूबसूरत लगे। और अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पेस्ट्री हमारी लगभग बन करके तैयार है, इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। अगर आपके पास स्टार नोज़ल है तो उससे आप इसके ऊपर फ्लावर बना दीजिए, तो ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी देखने में। और जो शुरू में हमने दो बिस्किट निकाल के रखे थे उसे इस तरह से आप इस पर सजा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया है, आप इस पेस्ट्री को जिस तरह से चाहें उस तरह से सजा सकते हैं। और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है, बच्चे तो बहुत ही से शौक से खाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।